काफ़ी पेंटिंग भी इसमें डिस्प्ले की है और कच्छ के ग्रामीण कल्चर को इन्होंने प्रदर्शित करके यहाँ पे गैलरी की शोभा बढ़ाई है। और मेरे साथ में हिंदू बालाजी भार्गव जी है, हिंदू श्रीवास्तव, सॉरी हिंदू श्रीवास्तव जी जो है, इनकी सात आठ पेंटिंग होते हैं लेडीज़ के वगैरह काफ़ी अच्छे बनाए हैं। और बनारस से मालती बहन भी आई है अभी जी, और अनिल शर्मा जी के साथ इनका काम लिखा है हार्डवेयर का, और सुमित श्रीवास्तव का काम भी काफ़ी बेहतरीन है। और मेरे साथ धीरे जी करने के बाद जयपुर से जो है बेहतरीन जो है ना क्या बोलते हैं रेस्ट्री काम इतना बेहतरीन रहेंगे, मैं कुछ गदगद हूँ इनसे काम से करवाने के सर मुझे भी कुछ काम सिखा दीजिए। और मैं जयपुर से क्यूरेटर इस शो का जो कवर टाक अपना आपको क्या कहूँ कि मैं इस शो को लेकर के इन सबके साथ उनका आशीर्वाद लेकर के जो है ना इस गैलरी को सजाया गया है। और लड़की को फोकस में रखा है और बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया है कि लड़की बचाओ मोर पक्षी बचाओ जो राष्ट्रीय पक्षी है हमारा। तो पवन जी जो हैं इनके बधाई के पात्र हैं और मैं चाहती हूँ कि ये खूब आगे रहें। नीरज जी की जो पेंटिंग है वो तो ऐसी लगती है जैसे कि अभी साइकिल उठाओ और चल दो, जो ट्रक का ट्रैक्टर का पहिया है वो लगता है सचमुच पहिया ही चिपकाया हुआ है वहाँ पर, कितने असलियत है। पवन जी मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, और इनका एक पहला प्रयास था और इस प्रयास के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे रंग सामने आए और हम सब बहुत खुश हैं और बहुत अपने आप को धन्य मानते हैं कि पवन जी का ये प्रयास बहुत अच्छा रहा है। और मैं चाहूँगा कि आगे से और भी आगे जाते इस कला की प्रदर्शनी आगे बढ़े और भारत से आने वाले हर एक अलग राज्यों से और भी कलाकार जुड़े इसमें और ये प्रदर्शनी और भी आगे बिल्कुल मैंने दावा किया कि अगली बार मैं 5 से 10 कलाकार लेके गुजरात से आऊँगा, जब मुझे गुजरात में कहीं से भी कनेक्ट करना पड़े अच्छे अच्छे कलाकारों को लेके गुजरात से आएंगे। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, और मैं चाहता हूँ कि पहली एंट्री आज ही आपकी हो चुकी गुजरात से। अब गुजरात में आप करें तो अभी आंटी भाभी जी कौन सब कहेंगे बनारस से आएंगे। मेरा नाम आंटी शर्मा है और मैं बनारस से हूँ, और पवन सर जो भी आयोजन किए बहुत बेहतरीन रहा है। उम्मीद है सर से कि आगे ऐसे ही हम लोग सब लोग जुड़े रहें रंगमंचन से, और भी कलाकार जुड़े उनको भी मंच मिले और कुछ सीखने को मिले स्टूडेंटों को, बस इतने ही कहेंगे कि रंगमंचन का एक जो हम लोग आयोजन किए इसे बहुत दूर तक ले जा रहा है और सब कौन सर को शुभकामनाएं। कुछ पेंटिंग जो आपके सामने डिस्प्ले की गई है तो इसमें झलक आप आपको दिखाना चाहते हैं कि ये बनारस से आए आशीष जी हैं और आशीष जी का पेंटिंग है और मनीष जी का पेंटिंग है और उधर से कलकत्ता से बनारस से है और ये महादी भाभी जी का पेंटिंग है। इनके लेडीज को लेकर के इन्होंने जो फॉर्म बनाया है एक महिला के साथ साथ रिलेशनशिप कितना जरूरी है, जो दो बहनों को लेके या दो परिवार को लेके या दो सास बहू को लेके जो भी एक रिलेशनशिप है उसको डीपली बनाया गया है काफ़ी अच्छा। और जो फिश को लेकर बनाया गया है कि महिला जो होती है वो फिश के समान होती है और उसको कितने गोटे लगाने पड़ते हैं संसार सागर के अंदर और उनको झेल करके अपनी भावनाओं को जो अंदर प्रकट किया है। और ये और ये चंद्रदास जी ने बुद्ध बनाया है और ये सारी फैमिली है घोड़े वगैरह। और ये दिलीप मंडल सर है गाजियाबाद से, और इधर हमारे साथ में जो है विपुल सर की पेंटिंग है जो कच्छ ग्रामीण का पूरा कल्चर उभर गया है। उसमें कल्चर जो पेंटिंग देने के ग्रामीण महिलाएं जो है खाना बना रही है चूल्हे के ऊपर, इधर रोटी बनी हुई है आटा लगा हुआ है पूरा जो है। ये सर आदमी का कपड़ा है क्या है ये रोटी है। रोटी को मतलब रोटी को डाल रही है मतलब जैस तवे पर रोटी को डाल रही है। और ये जो पानी का है जो मतलब काफ़ी ग्रामीण कल्चर जो कच्छ का है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से पेश किया है। और विपिन जी से उम्मीद मैं ये करना चाहता हूँ कि सर नेक्स्ट आयोजन में आप बड़ी पेंटिंग लेके आएंगे तो इस गैलरी की और शोभा बढ़ेगी, है ना सर। छोटे काम से बड़े पेंटिंग बना के लाएंगे और हमको भी अच्छा लगेगा, कलरफुल बोर्ड आएगा। 5 की जगह आप 7 पेंटिंग लाओ 10 पेंटिंग लाओ और गैलरी को बसाओ।